स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। आज हम कहीं रुके हैं वाकानाई न्यूजीलैंड में। ये वेलिंगटन से कुछ 50 या 40 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ हम इसलिए रुक गए, थोड़ा शांत माहौल था। कल मैंने आपको दिखाया था एक आरवी यहाँ पे लगी हुई थी, आरवी या कैंपर वैन, वो तो चले गए। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। तो हम तो भाई ऐसे ही उठते हैं, सन्टीवायर में भी ऐसे उठते थे। वो देखो, वो रहा समुंदर, वो रहा बीच और ये पूरी नदी सी आ रही है। तो हम तो ऐसे ही उठते हैं लेट। ये जो गोरे होते हैं ना, रात को जल्दी सोते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। ये मान लो ये मेरे हिसाब से 7 बजे यहाँ से चले जा चुके होंगे और हम 11 बजे अभी परमवीर सोने ही लग रहा है। तो मैं भी जस्ट अभी उठाऊँ, थोड़ा फ़ोन वन चलाया था अभी 15 मिनट पहले, तो मैंने कहा थोड़ा मैं अपना खाना बना लेता हूँ जब तक परमवीर उठ रहा है। तो शायद हम पहुँचेंगे वेलिंगटन 1-2 बजे और पार्क वार्क करेंगे गाड़ी, तब तक शायद वेलिंगटन पूरा बंद हो जाएगा 5 बजे तक। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, देखते हैं कैसी है कैपिटल है। कल फेरी में लोड करके इसको, वैन को साउथ आइलैंड पहुंचाना है, तो उसकी बुकिंग वगैरह करेंगे आज। चलो बनाते हैं खाना, वही अंडा ब्रेड अपना। तो कल रात को हमने गैस चलानी भी सीख ली, सब कुछ खुद ही सीख रहे हैं यार। वीडियो से तो इतनी हेल्प हो नहीं रही है और वहाँ पे भी कुछ ऐसा हमको सिखा के नहीं भेजा था, तो क्योंकि काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे, है ना। तो कल गैस चलानी सीख ली, हीटर चलाना सीख लिया। ये कैसे चलाते हैं टंकी में से मैं आपको बता देता हूँ। इस तरफ का पहले तो इसको ओपन कर दो भाई, इस सिलेंडर को, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये शट ऑफ वाल्व्स हैं, इनको कर दो आप ऐसे। वाटर हीटर का तो नहीं चाहिए, हॉब का ही चाहिए हमको, तो बस हो गया। और इसको अभी कर दो बंद, कोई बाहर से छेड़ा खानी ना करे। तो इनमें लॉक लगे हुए हैं और जो नॉर्मल वाले कई सारे हैं ना, जैसे आपका टॉयलेट वगैरह का फेंकना है या फिर सीढ़ी वगैरह निकालनी या फिर केबल वगैरह निकालना, उन सब में लॉक नहीं है, क्योंकि इन सब में ना लोग छेड़ाखानी कर सकते हैं। और वैन को क्या, हम अंदर सो रहे हों, डैमेज हो जाए, है ना, सिलेंडर ही उड़ा दे कोई, हम कोई उड़ा दे, है ना। तो इसमें इसलिए लॉक लगा रखे हैं, लॉक लगा देता हूँ, अभी लग नहीं रहा मेरे से। तो चलो चलते खाना बनाते हैं भाई। ये अंडे फेंट दिए मैंने 3, वैसे तो ग्लास में फेंटते हैं पर हमारे पास डिश वॉशर नहीं है। अगर ग्लास में फेंटा और ग्लास यहाँ रख दिया हमने तो बदबू हो जाएगी पूरी उसमें, और वहाँ रख नहीं सकते, तो इसी में फेंट दिए कटोरी में। बटर लगाते हैं, गैस चला दी यार, गैस भी कितनी बड़ी दे रखी है। ये देखो नीचे भी है कुछ गर्म करने का, पर ये नीचे वाला शायद तभी चलता है जब आपकी वैन पावर से कनेक्टेड हो, माइक्रोवेव भी तभी चलेगा। चलो अंडा बनाते हैं फिर ब्रेड गर्म करेंगे। भाई ये मैंने बना दिया ऑमलेट, और जैसे ही बटर मतलब डाला पहले पैन में, पूरा धुआं धुआं हो गया। शीशा तो खैर मैंने खोल रखा था, एक वो अलार्म भी है, वो टी 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 करने लग गया, उसको दबा दोगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर उसको पता चल जाएगा हाँ बंदा है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज आवाज़ करने लग गया, फिर दरवाजा ही खोल दिया। अभी बस ये ब्रेड सेक रहा हूँ और फिर अपना ऑमलेट ब्रेड तैयार। ये परमवीर ने बना दी थी चाय, प्री मिक्स आता है उसमें, दूध होता है, चाय पत्ती और चीनी, बस गर्म पानी में डाल दो और बन जाती है इंडिया स्टाइल चाय। भाई चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया, परमवीर अब नाखून काट रहा है, मेरे को भी नाखून काटने हैं। सामने बीच है, लोग कुत्ते वुत्ते लेके घूमने लग रहे हैं। और भाई पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज ऐसी आएगी, क्योंकि नेचर ही है न्यूजीलैंड में, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई डेंजरस है या फिर कुछ इतना इंटरेस्टिंग है, सारी नेचर से रिलेटेड ही वीडियोज आएंगी। और हमें एक तरह से ना 10 दिन रिलैक्स करने ही आए हैं। और ये आरवी लाइफ, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आरवी कहते हैं, कैंपरमैन कहते हैं, संडी भाई को ज़्यादा पता है। तो ये इन्जॉय करने आया था मैं, उनकी वैन लाइफ मैंने करी थी, पर ये मेरे को पूरा चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी वैन में घूम के कैसा लगता है, कि ये देखते हैं एक बार कि भाई सूट करता भी है फिर नहीं करता। अमेरिका से संडी भाई मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने और भी ख़रीद लिया ऐसे। तो अभी मैं न्यूजीलैंड के बाद यूएस ही जाऊँगा, तो उनके वो वाले भी देखेंगे कैसे हैं। और भाई मतलब ठीक है यार, सारे गोरे करते हैं सब वैन लाइफ वगैरह, तो मैंने सोचा एक बार हम भी करके देखते हैं कि कैसा क्या रहता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलो अब चलते हैं यहाँ से वेलिंगटन, आज वैन चलाऊँगा मैं, क्योंकि हाईवे पे अभी चढ़े नहीं, पतली पतली गलियों में से चलाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर एकदम से डबल लेन हाईवे पे अब आ गया सारा वेलिंगटन तक, तो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर जब रोड पतली होगी ना तो दिक्कत नहीं होगी। तो वेलिंगटन तक मैं चलाऊँगा, फिर वेलिंगटन में पार्क कर देंगे। शायद वेलिंगटन में मेरे एक पापा के दोस्त हैं, वो मिलेंगे हमको डिनर के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ डिनर करेंगे। और शायद अभी हम फेरी बुक कर देंगे कल सुबह सुबह वाली, जो कि हमको लेके जाएगी साउथ आइलैंड, अपनी वैन के साथ जाएंगे हम।
उसका कॉस्ट शायद $500 वन वे है फेरी का, अगर हम कैंपर वैन के साथ जाते हैं। वो मैं सब बता दूंगा कितना क्या पड़ा हमको, अभी बुक करते हैं बैठ के। ये न्यूजीलैंड में बड़ा पंगा है जो कि और देशों में नहीं मिलेगा, शायद न्यूजीलैंड में ही मैंने आज तक देखा है। सेल्फ कंटेन्ड, शायद सेल्फ कंटेन्ड का मतलब मैंने अभी तक नहीं बताया आपको इस सीरीज में। इसका मतलब है कि आप वैन के अंदर ही आपके टॉयलेट हो, कि आप बाहर खुले में ना करो। तो सेल्फ कंटेन्ड वाली वैन ना कहीं पे भी पार्क हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह थी नहीं, खैर वहाँ पे टॉयलेट थी पर यहाँ पे अलाउड सिर्फ सेल्फ कंटेन्ड वाला है, वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा था जो मैंने कल दिखाया था। तो मतलब ताकि आप खुले में ना करो, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैंपर वैन ऐसी है कि भाई आपके अंदर टॉयलेट नहीं है कैंपर वैन के, तो आप इन पार्किंग स्पॉट्स पे पार्क करना इलीगल हो जाएगा। कर तो सकते हो आप पार्क, ठीक है, टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे लिखा है सेल्फ कंटेन्ड तो पुलिस वाला आपके आपका चालान काट सकता है। तो सेल्फ कंटेंट का मतलब ये है, कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां रखते हैं, मतलब वैन टाइप, उसके अंदर एक टॉयलेट रख लेते हैं, बस उसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रख लेंगे उसको, और वो उनकी सेल्फ कंटेंट बन जाएगी एक तरह से। पुलिस वाले को दिखाने के लिए हो जाता है कि भाई टॉयलेट अंदर रखी है, चाहे उसको यूज मत करो। यूज तो हम भी नहीं कर रहे भाई, शावर बाथरूम वगैरह हमने एक बार भी टॉयलेट इसमें यूज नहीं करा, कल वहां पे कर लिया था रात को, अब यहीं से करके चलेंगे, वेलिंगटन में मिल ही जाएगा। क्योंकि यार कितना भी आप ढंग से यूज़ कर लो इसकी टॉयलेट को, आरवी की टॉयलेट को, पूरी वैन में बदबू हो जाती है, तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं यूज़ करना। चलो भाई आज मैं ड्राइव करूँगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसके ना गियर यहाँ पे है ही नहीं, ये 75 की गाड़ी में ना यहाँ पे गियर हैं, मर्सिडीज़ वाले यहाँ देते हैं। अब इसका क्या चक्कर है भाई कि ब्रेक दबा के इसको नीचे कर दो, हो जा भाई, हाँ डी आ गया। अब एकदम से आप ऊपर करोगे तो सीधा रिवर्स लगेगा, न्यूट्रल करना है, थोड़ा बीच से में करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब इस वाले बटन को दबा दोगे तो सीधा पार्किंग में आ जाएगा, चाहे आप डी में हो ना, और सीधा बटन को दबा दो आपकी गाड़ी पार्किंग में आ जाएगी, ठीक है। हैंड ब्रेक हाँ मैनुअल वाला भी है, प्लस अब इसमें पेडल शिफ्टर्स भी हैं, प्लस माइनस मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैं तो हैरान हो गया भाई कितने गियर हैं वो देख के, D1 आ गए, ठीक है, वहाँ पे D1 लिखा है ना, मतलब पहला गियर लग गया। अब अगर किसी को मैनुअल में चलाने D2 D3 D4 D5 पांचवा गियर छठा गियर सातवा गियर आठवा गियर, भाई आठ गियर हैं यार इसमें, मतलब D पे सिर्फ, और नॉर्मल D करना है मतलब खुद ऑटोमेटिक पे चलाना है तो ऑटोमेटिक कर दो, इस बटन को दबा दो पार्किंग का। अब इसी वाले से इंडिकेटर भी चलते हैं और वाइपर भी, जैसे हमारी गाड़ियों में होता है ना भाई इंडिकेटर इस साइड से चलेंगे वाइपर इस साइड चलेंगे, इसमें एक ही से चल रहे हैं सब कुछ, क्योंकि जर्मन गाड़ियों में लाइट का यहाँ पे होता है, स्कोडा में देखोगे, वॉक्सवैगन में देखोगे, मर्सिडीज ऑडी वगैरह, सारा लाइट का यहाँ पे, वैसे ऑटोमेटिक है इसकी लाइट, ये सारा कंट्रोल पैनल है। ये मैं जब रिवर्स गियर लगा दूंगा, अब रिवर्स पे कर दिया तो पीछे का कैमरा ये अपने आप चालू हो जाता है, पर कैमरा नीचे की तरफ देख रहा है, पीछे की तरफ नहीं देख रहा, ये 10 फीट तक का दिखाता है बस। और ठीक है, ये सारा इनका मैप है, बेकार है बिल्कुल मर्सिडीज वालों का मैप, किसी काम का नहीं, कुछ भी डाल दो गलती दिखाता है। ये यहाँ का AC है, ठीक है भाई, कर दिया बंद। वो देखो कितनी दूर है पैसेंजर की सीट, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ बैठा है। पर ये 4 बॉटल होल्डर हैं, यहाँ फ़ोन रख सकते हो, प्लस अब एक बार इसको न्यूट्रल कर दूँ मैं, पार्किंग कर दिया, प्लस यहाँ पे ये ढक्कन खुलता है, कल हमको पता चला यहाँ पे है कार प्ले का, ये कार प्ले का सॉकेट है, ये नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट है, तो यहाँ पे एक फ़ोन कार प्ले में कनेक्ट करके हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस यहाँ पे एक और चार्जिंग सॉकेट है। तो ये सारा था भाई कंट्रोल इसका, ये इसमें क्रूज कंट्रोल वॉल्यूम वगैरह का, ये सारा नॉर्मल मर्सिडीज जैसा है। कल हम जहाँ से हमने गाड़ी ली थी वहाँ से हम चला चुके 635 किलोमीटर्स, और ये सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, बिल्कुल नई है एक तरह से, ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो भाई चढ़ गया हाईवे पे और मेरे को काफी सही लग रही है गाड़ी चलाने में, हैंडलिंग वगैरह ये सब मस्त है यार इस गाड़ी की, ब्रेकिंग वगैरह मतलब बिल्कुल स्मूथ चल रही है। 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल डाल दिया, हाईवे पे चल रहे हैं मस्त, 100 की लिमिट है, अपना स्लो वाली लेन में चलाते रहो। पर यार हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा, ये देखो हमारे को ओवरटेक कर गया, ज्यादा हाई स्पीड बन रहा नहीं है, बताऊँ इसको भी मैं जान देना। चलो भाई ये रहेगा 57 किलोमीटर वेलिंगटन, 42 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे, देखते हैं पार्किंग वगैरह ढूंढते हैं फिर। वो ये पहुंच गए भाई हम वेलिंगटन का शहर, सामने दिखने लग रहा है वो फेरी टर्मिनल भी है जहाँ पे हमको कल वैन लोड करके लेके जानी है साउथ आइलैंड, बस 7.5 किलोमीटर रह गए भाई। ये देख लो भाई सामने वो शहर है आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारे समुद्र, ये समुद्र ही बेसिकली फेरी के थ्रू अपन क्रॉस करेंगे, पैसिफिक ओशियन है ये। ये देखो सुंदर है, बाकी एंट्रेंस शहर की, गाड़िया वाड़िया सब जाने लग रही है, आसमान
खूबसूरत। अब आपको अच्छा व्यू दिख रहा होगा, अब हम नजदीक आ गए ना, पेड़ हट गए थे पहले, वो शहर है सामने पूरा वेलिंगटन। बस पहुंच गए हम, एंटर कर जाएंगे 11 मिनट में, यानी कि 7 किलोमीटर भी नहीं रह गया। भाई एंटर कर गए वेलिंगटन के सीबीडी एरिया के आसपास, और बाइक वाला आगे निकाल के लेके जाना चाहते हैं। इंडिया वाले तो ले जाते हैं अभी तक, ये थोड़ा फिर भी रुक रहा है, पर एरिया बड़ा ही जबरदस्त है। ओके चलो ग्रीन भाई, मैं ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ आज, थोड़ी वीडियो कम बना रहा हूँ ड्राइव करते समय। भाई ये आ गए हम कैंपिंग एरिया में, देखो यहाँ पे सारे आरवी खड़े हुए हैं। यहाँ पे 52 कैंपिंग साइट दिखा रखी थी, होंगी 50-52। तो सामने ही भाई अपना पोर्ट सा आ गया, ये लोगों की बोट खड़ी है, सही लग रहा है। अब भाई देखो यहाँ लगा दी हमने पार्किंग, सारे हमारे, इससे ऊंची है, हाँ ये वाली छोटी है, यहाँ लगा दी इन्होंने। तो यहाँ भी पर्दे लगा रखे हैं, आगे भी लगा के गए हुए होंगे, पता था मेरे को, चोरी चारी का बहुत है भाई यहाँ पे, कोई वो शीशा तोड़ देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा शहर में ये भी दिक्कत थी। थोड़ी टेढ़ी है पर ठीक है, हम दोनों लाइनों के बीच में है, ये वैन की कैंपिंग है ना, इसलिए थोड़ी चौड़ी भी बना रखी है। देखो यहाँ पे कितनी सारी कैंपिंग वैन्स खड़ी हैं, और रात तक तो फुल हो जाएगी ये, मैं बता रहा हूँ, रात को मे भी यहाँ पे जगह भी ना मिले। ये सारे साउथ आइलैंड जा रहे होंगे या फिर आए होंगे, ये भाई रात को नहीं मिलेगी यहाँ, सही कह रहे। वो थी देखो छोटी वाली जूसी, वो मस्त कहीं पे भी लग जाती, ये अपन रोड पे भी लगा सकते हैं। हाँ ये तो रोड पे भी लग जाती, कमी साइड्स बची हैं अभी भी, 10-12 ही बची हैं। सामने देखो भाई सबकी, क्यों घूर रहे होंगे, इन्हें लग रहा होगा कि ये शीशा तोड़ने वाले चोर है। हाँ इतनी बड़ी आरवी में चोरी करने आए हम, आरवी भी चोरी की हो। अब ये वाली कैंपिंग साइट है, मतलब यहाँ पे आप व्हीकल लगा के रात को उसमें सो सकते हो। उस तरफ जो पार्किंग है ना वो नो कैंपिंग है, मतलब पार्किंग लगा सकते हो पर आप कैंपिंग नहीं कर सकते उसमें, इधर सिर्फ गाड़ी लगा सकते हैं, इधर आरवी लगा सकते हैं। हाँ यहाँ देखो ये लिखा हुआ, खतरनाक ही रूल्स हैं भाई ये तो, हमको दिखे भी ना आरवी में से बैठे हुए, ये तो अब दिख रहे हैं, और इसमें लगा भी नहीं पा। देखो यहाँ लिखा हुआ है नो कैंपिंग, कैंपिंग का अलग से ये डेजिग्नेटेड एरिया है। मस्त है यार, सही लग रहा है वेलिंगटन मेरे को। भाई ये कल की हम फेरी बुक कराने लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों के नाम डाल दिए और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डालना। हमारी 7.9 मीटर्स लॉन्ग है, $482 प्लस 2% और लगेगा इसके ऊपर, 490 न्यूजीलैंड के डॉलर हम देंगे, हम दोनों को पार कराएगी फेरी और इस कैंपर वैन को। तो भाई यहाँ आ गए थे, इस जगह को कहते हैं आके वेलिंगटन की ओरिएंटल बे, मतलब ये मान लो यहाँ का सबसे महंगा एरिया बता रहे हैं। ये फुआरा है और पीछे वेलिंगटन का शहर है पूरा, देख लो इतना छोटा सा ही शहर है, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है जैसे न्यूयॉर्क में है, पर हाँ ऑकलैंड से मेरे को ज़्यादा सही लगा, परमवीर भी यही कह रहा है। और जैसे जिसका घर ऊपर है, बीच में ना वो नहीं है भाई, रोड है इन घरों के बीच में, तो जो मेरे पापा के दोस्त हैं वो इन्हीं घरों में से किसी में रहते हैं, मेरे को तो पता नहीं है। तो इन घर के ऊपर जाने के लिए ना केबल कार लगी हुई है, जैसे इन दोनों घरों के बीच में आप गैप देख रहे हो, वहाँ पे केबल कार लगी होगी, उस केबल कार में बैठ के ऊपर जाना है। ये देखो इन दोनों घरों के बीच में जो पीछे घर है ना ऊपर, उनके जाने के लिए आपको केबल कार से जाना पड़ता है। और ना ये सरकार लगाती, ये घर इतने महंगे हैं कि इन्होंने खुद ही लगा रखा है पहाड़ पे बना के। तो राज भाई ये बताओ कि ये मतलब क्या है, इसमें दबाने पड़ते हैं या तो की लगा दो, की हाँ, या फिर कोड दबा दो। अच्छा वरना नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता ऊपर? नहीं, 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 अच्छा जा, मतलब वैसे सीढ़ियों से तो जा ही सकता है वो, या सीढ़ी अच्छा ऊपर तक नहीं है। ये ऐसी लिफ्ट थी भाई, सोलोमन आइलैंड के एक होटल में रुके थे मैं और परमवीर, रूम में जाते थे फिर इससे। चलो भाई इस केबल कार से जा रहे हैं भाई हम ऊपर। अच्छा रोडे तो है ही नहीं, वही मैं गूगल मैप पे देख रहा था ना, मैं कह रहा है रोड तो है ही नहीं, मैंने कहा है 260 नंबर है ना आपका, 296 तो वो रोड है ही नहीं बीचों में घर के, जिसका घर ही है उसको यहाँ उतर जाना है, उसका पीछे रह गया स्टेशन। तो ये ऊपर आ गए थे हम, ये ऐसे हर घर के प्लेटफॉर्म है, जैसे इसका ये हो गया ना उसका वो है, और एक ऊपर भी है उनका भी है, ऊपर तक जा रही है। इसी लिफ्ट में घूमते रहो।
भाई ये घर देखो सबसे महंगा एरिया है, और ये घर सारे इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्लोर टाइप नहीं है, बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे, सारी वो है बड़ी वाली बिल्डिंग। तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा मतलब वैसे नॉर्मली? यहाँ पे जैसे वो घर देखो सेल पे लगा हुआ है ना, तो हाँ वो फोर सेल, अच्छा वो लगा हुआ, 5 मिलियन में एक अपार्टमेंट लगा हुआ। 5 मिलियन में मतलब पूरा घर नहीं है, एक अपार्टमेंट है, फोर बेडरूम एक साइड। अच्छा एक साइड का, ऊपर से नीचे से जमीन से मिलेगा ना पूरा? हाँ जमीन से है पूरा। अच्छा तो $5 मिलियन का वो फोर सेल लगा हुआ, भाई खरीद ले परमवीर, $5 मिलियन का है बस ये। इतना बस आधा आधा। तो न्यूजीलैंड में कई चीजें बहुत सस्ती लगी हमको, जैसे यूरोप और यूएस से कंपेयर करूँ, खाना पीना यहाँ पे सस्ता है, पर ये जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे $5 मिलियन हो गए लगभग $25 करोड़। वो भी आधा फ्रंट देख लो इसका कितना फुट है, मुश्किल से 20 फुट नहीं होगा। लो भाई इंडियन रेस्टोरेंट, ये सिटी सेंटर ही आ गया। यहाँ स्पीड लिमिट 30 है सिटी सेंटर में, पूरे न्यूजीलैंड में सीबीडी एरिया में। भाई ये हम आ गए वेलिंगटन की सबसे मे बी पॉपुलर स्ट्रीट पे, जैसे जिसको वॉकिंग स्ट्रीट कह देते हैं, इसका नाम है क्यूबा स्ट्रीट। यहाँ पे शोरूम वगैरह है, जैकेट तो यार मेरे को लेनी ही है। वेदर यहाँ का थोड़ा सा गर्म है ऑकलैंड के कंपेरिजन में आज की तारीख में। वैसे तो कहते हैं वेलिंगटन को विंडीएस्ट सिटी, विंडियस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा हवा चलती है, पर आज हवा भी नहीं चल रही। और आज सैटरडे है, ये वाली दुकान सही लग रही है जैकेट वगैरह के लिए, देखते हैं चलो। और राज भाई बता रहे हैं यहाँ पे 13 साल से रहते हैं कि ये सेफ है कंपैरेटिवली ऑकलैंड वगैरह से, पर फिर भी मैं बैग अपना निकाल ही लाया कि भाई क्या पता क्या होता हो, क्या हो जाए, पासपोर्ट वगैरह था मेरा इसमें, देखते हैं। ये ऐसा झूला होता है उसमें वाटर पार्क्स में कि ऊपर से बाल्टी भरेगी, जब बाल्टी भर जाएगी गिर जाएगा। ये देखो यार, देखो जितना यूरोप लाइवली है ना यार, न्यूजीलैंड उतना लाइवली तो नहीं है, पर ठीक है चलो। तो भाई जैसे मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है, उसमें से 75% लोग रहते हैं नॉर्थ आइलैंड पे, जहाँ पे इनका ऑकलैंड और वेलिंगटन का शहर है। उसमें से भी 75% मतलब 15-20 लाख लोग रहते हैं ऑकलैंड में, और पूरे वेलिंगटन की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 4,40,000। और न्यूजीलैंड में एक रूल है, अगर आप मतलब अपने घर की पॉपुलेशन सारी मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को हर साल कुछ अपडेट नहीं करते, सेंसस होता है, तो आपके ऊपर फाइन भी लगता है। तो ये सब मतलब जो सेंसस में बता रहा हूँ एक तरह से मान के चलो करेक्ट है बिल्कुल। सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी में, सोचो मेट्रो एरिया में है, अर्बन जो एरिया है उसमें तो शायद 2.5 लाख के करीब लोग हैं, बस पूरी मेट्रो एरिया जो मान लेते हैं उसमें है 4.5 लाख लोग। ये स्ट्रीट ठीक है, देखो यूरोप से मैं कंपेयर करूँ, मैं सच सच बोलता हूँ कि भाई इतनी लाइवली नहीं है, पर देखो साफ सफाई पूरी है, पत्ते ही गिरे हुए हैं। तो भाई ऑकलैंड में मैं सुपर ड्राई के शोरूम में ना ऐसी ऑरेंज पसंद करके आया था, पर जब तक वापस जाने का टाइम आया वो दुकान ही बंद हो जाती है। ये भी लकीली खुली मिल गई हमको 6 बजे। ये ऑरेंज वाली जैकेट है $60 की, परमवीर ने वो ले ली $60 की, ठीक है इस ट्रिप पे हम यही पहनेंगे। अब तू आ ही नहीं रहा था क्या? मैं अपने हिसाब से रखता हूँ तो लंबा है, चल कर आ ले इसकी बिलिंग। भाई यहाँ हम रुके थे पार्लियामेंट देखने के लिए न्यूजीलैंड का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑकलैंड सबसे बड़ी सिटी है, तो मेरे को ध्यान में ही नहीं था वेलिंगटन में ही पार्लियामेंट होना चाहिए। ये एक मॉन्यूमेंट्स है और वो रहा भाई पार्लियामेंट न्यूजीलैंड का, ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो वो झंडा रहा न्यूजीलैंड का, ये पार्लियामेंट। सर रात हो गई यार, यार सर्दियों में घूमने के फायदे तो हैं, मेरे को अच्छा लगता है, पर सर्दियाँ जहाँ पे भी होती है वहाँ पे रात जल्दी हो जाती है, यहाँ तो 5 ही बजे रात हो गई, तो हमारा आधा दिन तो सोने में निकल जाता है। कल से थोड़ा ट्राई करेंगे जल्दी उठने की। और यहाँ देखो इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है,
पानी गिरने की आवाज आ रही है। और एक मैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको न्यूजीलैंड के इस पार्लियामेंट पे आए तो बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड में हर 3 साल में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। हर 3 साल में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही होगा क्योंकि ये भी ब्रिटिश के द्वारा राज किया गया था न्यूजीलैंड पे भी। इनके फ्लैग में ब्रिटिश का फ्लैग अभी भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में है। तो हर 3 साल में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उसको आप अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। कई लोग कहते हैं कि भाई 3 साल इनफ टाइम नहीं होता कि प्राइम जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो अपना काम करके दिखाएं, पर कई लोग कहते हैं कि हाँ हर 3 साल में होने चाहिए इलेक्शन, ताकि मतलब उनको सबक सा मिलता रहे कि भाई उनको भी पता चले कि हर 3 साल में चेंज भी हो सकते हैं। चलो चलते हैं। ये था, ये गेट बंद है भाई, पर पार्लियामेंट कितने नज़दीक घूमने लग रहे हैं। नो बसेस, ऑथराइज्ड व्हीकल्स ओनली। भाई वहाँ से हम अंदर ही आ गए, क्वेट खुला था, मतलब कोई भी आ सकता है। और ये इनका नया वाला पार्लियामेंट है, ये इनका पुराने वाला पार्लियामेंट है। और ये 90 मिलियन डॉलर लगा के नया वाला पार्लियामेंट बनाए लोगों ने, 90 मिलियन मतलब लगभग कितने हो गए, 500 करोड़ लगा के। अब पता नहीं न्यूजीलैंड डॉलर बोल रहे हैं वो, 500 करोड़ के लगभग मान लो। तो भाई देख लो पार्लियामेंट के हम कितने पास घूमने लग रहे हैं यहाँ पे। खैर न्यूजीलैंड को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी तो कहते हैं, सेफेस्ट कंट्री। तो भाई यहाँ आ गए थे राज भाई के घर पे, मेरे पापा के फैमिली फ्रेंड है। तो ये फाउंटेन जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, ये पूरे वेलिंगटन शहर का नज़ारा। अभी परमवीर को हम छोड़ के आ गए थे जिम, 2 घंटे उसने जिम विम करी होगी, और अब उसको लेके आ जाते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 8:30 की हमारी फेरी है जिसमें कैंपर वैन लोड करके न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पे जाएंगे। तो ये वीडियो ना यार इतनी लंबी बनी नहीं होगी, क्योंकि आज हम लेट भी उठे, इतना कुछ करने को भी नहीं था। और आपको मैं सच बताऊं ना, ऑकलैंड में और ना वेलिंगटन में इतना कुछ खास करने को है। तो साउथ आइलैंड ही सब लोगों ने बोला है, साउथ आइलैंड जाओ, साउथ आइलैंड जाओ, साउथ आइलैंड जाओ, कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो भाई हम साउथ आइलैंड ही जा रहे हैं और वहीं बनाएंगे असली वीडियोज़। इस BMW वाले को क्या हो गया। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और आपको मिलेंगे अब कल। भाई अभी परमवीर ने स्टोरी डाल दी थी मीटअप की, तो जिम के बाहर आ जाना, मैं परमवीर को जिम के बाहर लेने गया। भाई वहाँ पे आ गए थे 10-12 बंदे, उनसे बात बात करने लग गए। एक भाई ये गिफ्ट भी लेके आ गया, हुडी, आज ही जैकेट खरीदी और आज हुडी मिल गई। चलो चलते हैं ऊपर।